अज मैं जो श्रोमणी अकाली दल ते BSP दी ट्रांसपोर्टर प्रति साड़ी मैनिफेस्टो है जिदे विच ट्रक ट्रांसपोर्टर भी आते हैं, छोटी रेहड़ियां वाले भी अपने जिहड़े हैगे, छोटे टैंपू वाले भी आते हैं, ई रिक्शा और रिक्शा वाले भी आते हैं, स्कूटर भी वाले आते सारे जिहड़े हैगे अपना थ्री व्हीलर ते सारे जिहड़े ट्रांसपोर्टर है जिहड़े कमर्शियल ट्रांसपोर्ट या कोई किराए ते लैके जांदे उन्हां दी इक पॉलिसी असी बना रहे हैं जिहड़ी असी आउण वाली सरकार असी लागू करांगे। एक तो सब तो पहले एक ट्रांसपोर्टर्स दा वेलफेयर बोर्ड बनाया जाऊगा जिहदे विच असी 25 करोड़ रुपये दा कॉर्पस रखांगे। उत्थे ट्रांसपोर्टरां दे जिहड़े रिप्रेजेंटेटिव है जिहड़े उन्हां दे बंदे है उस बोर्ड के मैंबर होंगे, जिमें थ्री व्हीलर वाले दे कोई जिहड़ा रिप्रेजेंटेटिव होगा उहदा भी मैंबर होगा, उहदे छोटे टैंपूआं का भी होगा, वड्डे ट्रकां का भी होगा, छोटे मीडियम साइज ट्रक यूनियन दे होगा। सो उन्हां सारयां दा एक बोर्ड बनूगा जिहड़ा पंजाब सरकार थले जिहड़ा वेलफेयर बोर्ड होगा, क्योंकि मैं देखिया कि ट्रांसपोर्टर इहो जिहे है जिन्हां नूं कोई पुछदा ही नहीं, सारे लोग ट्रांसपोर्टरां दे मगर ही लगे रहिंदे आ, जे भावें एडमिनिस्ट्रेशन होए तो असीं चाहुंदे आ कि उन्हां नूं एक फोरम मिले जिथे वो अपनी आवाज़ रख सकन ते सरकार तो वो अपना फैसले करा सकन जिहड़ी उन्हां दे वेलफेयर दे है। सो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड जिहड़ा असीं पहला अनाउंसमेंट मेरी है कि असीं करन लगे हैं। दूजी गल, ट्रक यूनियनस इन्होंने खत्म कर दित्तियां, छोटे छोटे ऑपरेटर है, कोई एक ट्रक है, किसी दो ट्रक है, बेचारियां दी सारी जिंदगी ओ उस दी डिपेंडेंट है। श्रोमणी अकाली दल सरकार आने पर ट्रक यूनियन बहाल की जाएंगी, पर हर SDM थले एक कमेटी बनाई जाऊगी जिदे विच ट्रक यूनियन दे रिप्रेजेंटेटिव ते व्यापारियों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो फैसले जो रेट पर किलोमीटर सैट होंगे SDM दी कमेटी थले होगा सारा होगा, ट्रक यूनियन दी जिहड़े रेट होंगे, या कोई कि जे किसी व्यापारी नूं कोई प्रॉब्लम आ जाए वह भी उस कमेटी रखो SDM दी कमेटी थले रखूगा, या कोई ट्रक यूनियन कोई यूनियन कोई प्रॉब्लम आ जाए वह भी उस कमेटी रखूगा। सो SDM दी थले होगा, घट तो घट रेट सही मिले, एक तो यूनियन सेट मिले, एक व्यापारी भी कोई तकलीफ ना आए उन्होंने भी रेट सही मिले। सो एक SDM हैड होगा कमेटी का, तो वो फैसले आप बह के करे तो जिद उन्हें बड़िया समस्या हल हो जानियाँ। एक असी हुंदा की है कि जदों जिमें सरकारी टेंडर होंगे है आप ढुआई दे टेंडर जिहदे कोले कोई ट्रक ही नहीं है वो टेंडर ले लैंदा, तो जिहड़े बेचारे जिहड़े ट्रक वाले है वो जिहड़े जिहदे कोले ट्रक है या यूनियन है कोई उन्हां नूं कोई पुछदा नहीं, जिन्हें साडे टेंडर होणगे जे ढुआई दे ट्रक यूनियन नूं पुछे मैंबर होगा वह दिते जाणगे, ना इंडिविजुअल नूं नहीं, जिहदा कोई ट्रक नहीं जां कोई घट तो घट जे उहदे कोले 50 ट्रक नहीं तो वह किस बेसिस ते लै सकदा है। हुण तां की हुंदा कि इंडिविजुअली कल्ला बैठा ज़्यादा पोलिटिकल होए बैठे है कि अपने च हिते वर्क देंदे है, असीं चाहुंदे हैं जिहदे नाल ट्रक यूनियन बेचारियां नूं जो ट्रक वाले ऑपरेटर है उन्होंने बहुत वड्डा नुकसान हुंदा, पैसा भी नहीं उन्होंने मिलता, विचालड़ा लै जांदा है। सो मैं चाहुंदा कि ऑपरेटर ही जिहड़ा ऑपरेटर होए ओही टेंडर लै सके, नॉन ऑपरेटर कोई अलाउ नहीं करांगे असीं अपने। एक असी मैं देखिया सब तो ज़्यादा दुखी किया अपनी सरकार करती है तो बहुत अफसर इन्हों तो पैसे लेंदे है हर दूजे जगह जाके रोक लेंदे है, एक बार साल च उन्हां दे कागज़ चैक किए जाएंगे, एक बार कागज़ ठीक है साल च उन्हां नूं स्टिकर दिता जाऊगा,
हर वहीकल नूं ओ स्टिकर जिहदा वहीकल दा लग्गा होऊगा उहनूं एक साल कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकदा कागजां करके। जे कोई कॉन्ट्रबैंड होए या उहदे करके चैक हो सकता है, जे कोई इलीगल कॉन्ट्रबैंड होए या कुछ होए, पर कागजां करके या कोई ट्रक की पासिंग करके या कोई एक बार तुसीं चैक कर ले साल दे, बार बार रोक के उन्हां तों एक्सप्लॉइट करना वो असी बिल्कुल खत्म करांगे। सो स्टिकर लाया जाऊगा तो जिहदे नाल उहदे बाद कोई पूरे साल उन्हूं कोई पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं रोक सकता कागजां करके या कोई ट्रक की ट्रक बारे, एक्सैप्ट फॉर इलीगल जिहड़ा हैगा। एक उन्हां दीआं जिहड़ीआं वन टाइम जिन्हें टैक्स है जिहड़े ड्यू है वन OTS लियावांगे, वन टाइम सैटलमेंट स्कीम, जिहदे नाल जिन्हें भी ट्रक वड्डे ट्रक है या कोई टैक्स ड्यू है वन टाइम सैटलमेंट करके उन्हां दे सारिआं दे खाते भावें छोटे ट्रक है छोटे दूजे वहीकल्स है छोटे वहीकल्स है सारिआं दे वन टाइम सैटलमेंट टैक्स दे कीते जाऊगे। एक असी जिन्हें हाईवेज़ है उत्ते स्केल्स लाए जाणगे वेइंग स्केल्स, क्योंकि ओवरलोडिंग बहुत वड्डा नुकसान ऑपरेटरां नूं भी हुंदा ट्रक ऑपरेटरां भी हुंदा ते नाले सड़कां दा भी हुंदा ते अगेंस्ट द लॉ है। सो वेइंग स्केल्स रेगुलर बेसिस ते होणगे जिथे ट्रक नूं इमीजिएटली ओवरलोड जे ओवरलोड अलाउ नहीं कीता जाऊगा। आ भी असी एक प्लैन कीता है जिहड़ियां साडियां स्कूल वैनज़ है उन्हां दी टैक्सेशन सिस्टम अज कमर्शियल वहीकल नाल भी ज़्यादा है। सो स्कूल दीआं वैनज़ बसां दी टैक्स सिस्टम क्योंकि वह सेवा कर रहे बच्चों की बच्चों वास्ते वो वैनज़ है पढ़ाई वास्ते उन्हां दा जिहड़ा टैक्स है कमर्शियल तो दूजे नूं बहुत घटाया जाऊगा। तो जिन्नियां भी पॉलिसियां जो भी टैक्स सिस्टम कोई भी कोई ट्रांसपोर्टर होगा जिहड़ा साडा वैलफेयर बोर्ड है वो वैलफेयर बोर्ड ही बह के फैसला करके उन्हें इनवॉल्व किया जाऊगा। असी चाहते हैं कि मेरी सोच एक आ जाए कि जिहदी पॉलिसी बने जिहदे वास्ते बने उहदा हिस्सा जरूर होना चाहिए, उहदी एडवाइस जरूर होनी चाहिए है पॉलिसी बनाउण ते। एक असी करांगे जिहड़े ट्रक यूनियन भी होए उहदे भी जिहड़ा प्रधान बने, ऐ नहीं है कि कोई पोलिटिकल नॉम नहीं हो जाए, घट तो घट 5 साल उहदा ऑपरेटर बने यूनियन दा प्रधान। सो असानू रेगुलेट किया जाए जिहदा घट तो घट इत्थे पोलिटिसाइजेशन अज हो की रहा, पोलिटिकलाइजेशन हो रहा है तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। लोग ट्रक यूनियन एक साधन बनाई बैठे पैसा इकट्ठा करन दा, वो एक्सपलॉय जे आम गरीब ट्रक जिसे एक एक दो दो है उन्होंने बहुत वड्डा धक्का हुंदा है। एक असी जिन्हें ड्राइवर है जिन्हें ऑपरेट ट्रक ऑपरेटर है जिन्हें ने पंजाब सरकार वेलफेयर बोर्ड फोर तरफों उन्होंने जे ई रिक्शे वाले भी है उन्होंने असी 10 लाख रुपये की लाइफ इंश्योरेंस उन्हों की की जाऊगी। घट तो घट जे कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो परिवार को उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस दी जाए। एक असी जिन्हें ऑटो रिक्शा है असी जेडे पुराने ऑटो रिक्शा मेरी एम है कि ऑटो रिक्शा की जगह ई रिक्शा इंट्रोड्यूस किए जान पंजाब च। ऑटो रिक्शा असी जिहड़े जिहड़े ऑपरेटर है उन्हां तो असी पंजाब सरकार लैके तो उन्हां नूं रीफाइनेंस पंजाब ई रिक्शा की रीफाइनेंस असी पंजाब के जिहड़े हैगे लोग उन्हां वास्ते असी पंजाब सरकार उन्हां नूं रीफाइनेंस कराऊगी कि उन्हां नूं ई रिक्शा तरफ मूव किया जाए, क्योंकि मैं देखिया एक एक शहर 40-40, 50-50 ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। सो ई ऑटो रिक्शा नूं असी ई रिक्शा च कन्वर्ट करन दा साडी नंबर वन प्रायोरिटी है। एक असी जिहड़े हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है हले इक्को ही सेंटर है जिहड़े बादल साहब ने बनाया सी अपना लंबी हल्के च है जिथे जिन्हों भी हैवी लाइसेंस चाहिए है उत्थे जाना पैंदा है। असी घट तो घट डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर ते एक एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर ते ड्राइविंग जिहड़ा ट्रेनिंग सेंटर जिवें असी उत्थे बनाया लंबी वह जिहा सेंटर बनावांगे। घट तो घट जे हैवी लाइसेंस मिल जाता किसी नूं ट्रेन हो जाता है वह नौजवान नूं अपने पैरां ते खड़े होण नूं एक बहुत वड्डा मौका मिलता है
जे इत्थे भी नौकरी ना मिले घट्ट घट्ट बाहर जाके भी अपना हैवी लाइसेंस हैगा वो रेकनाइज होके अपने पैरां ते खड़ सकदा है। जे नैचुरल डैथ करके जे को जिहड़ा असीं वैलफेयर बोर्ड बनाया माई वी कहना वो बोर्ड के कोल जिहड़े भी नैचुरल डैथ हो जाती है ड्राइवर की उन्हूं 4 लाख रुपया एक्सीडेंटल डैथ जिहड़ी हुंदी है अपना एक्सीडेंट करके वो वास्ते 4 लाख रुपया तो जिहड़ा लाइफ इंश्योरेंस है वो असीं 10 लाख रुपया इन्हां वास्ते कीता है। सो आ साड़ी जिहड़ी पॉलिसी है साड़ा मैनीफेस्टो है फॉर द ट्रांसपोर्ट सैक्टर जिहड़े अपने ट्रक ऑपरेटर है क्योंकि मैं देखिया बहुत परिवार अपनी घर ही एक एक ट्रक करके चला रहे हैं पर जिहड़े एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। सो मैं उन्होंने शोर करदा कि साड़ी सरकार विच असी कोशिश करांगे उन्होंने वापस अपने पैरां ते खड़े करना पर असी आ भी साडा क्लियर है कि ना ट्रेडर नू एक्सप्लॉयटेशन होए ना किसी नू एक्सप्लॉयटेशन होए जायज इंसाफ मिले। सो जो SDM की कमेटी है वो ऑल पावरफुल कमेटी होगी। कोई सवाल असी इनकरेज करांगे जिवें अपने 40,000 थोड़े इत्थे है इंडिविजुअल जे कोई अपना ई रिक्शा चलाना चाहे देखो ई रिक्शे ना घट तो घट 200-300 रुपया महीने की कर सकते। मैं इनकरेज करूँगा नौजवान पंजाबी नौजवान जिहड़ा अपने पैरां ते कोई ई रिक्शा चलाना चाहन असी उन्हां नूं फाइनैंस करांगे एट वेरी एक 1% या 2 शायद फ्री विदाउट इंट्रस्ट भी असी फाइनैंस कर दीए क्योंकि मैं चाहना तकरीबन मैं देखा 40-40 रुपया यार बच्चे अपने इत्थे शहरां च ही लग सकते हैं जे वो अपने उन्हों का अपना ई रिक्शा हो क्योंकि गरीब बच्चा है वो को 2-3 लाख नहीं होता। वो मैं जिमें अपना मैं थोड़ा एक गल असी स्कीम लैके आए हैं कोई बच्चा तो बच्ची अपने पैरों पर पंजाबी खड़ा होना चाहते हैं साड़ी पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तो असी 5 लाख रुपये का लोन देवे जिदा कोई ब्याज नहीं होगा। सो तुम वो ई रिक्शा वो खरीद सकते हो तो अपने आप अपना ई रिक्शा लैके ओन योर ओन ई रिक्शा स्कीम लैके आवेंगे कि अपना ई रिक्शा लो तो इलैक्ट्रिक रिक्शा तो तुम चलाओ तो की होना है? बहुत नौजवानों अपने पैरों पर खड़न का मौका मिलेगा। बिल्कुल कोई गुंडा परची नहीं हो वो कांग्रेस ही करी जाते हैं आ जड़ा जड़ा उन्हें गुंडा असी ताइयो क्या आ सारा कुछ SDM कमेटी SDM दे थले सारा कुछ होगा। नहीं नहीं वो तो मैं गुंडा गर्दी गुंडा परची कितने नहीं होगी मैं अज गरंटी करता साढ़े राज में जोड़े गुंडे परची चलते हैं एक रूल सैट हो गए एक जो रूल सारे वास्ते पंजाब होगा ऐ नहीं है जिमें अज कांग्रेस के विधायक ने उत्थे बाहर जाके उत्थे रिफाइनरी गुंडा परची लाई है बिल्कुल गुंडा परची नहीं होगी। सी कांग्रेस दो खिल रही है अगले हफ्ते 10 दिन देखोगे 2 फाड़ नहीं किन्ने फाड़ हो जानी है कांग्रेस लोकी पंजाब की जनता कांग्रेस तो दुखी है दुखी है। असी अकाली दल तो चाहता कल हो जाए इलेक्शन मैं तो पूरे पंजाब घूम चुका है जा चुका है आ जिहड़े दूजे कांग्रेस तो हले शुरू नहीं होए हले तो पटाके पैने शुरू होए उन्होंने सी हले प्रिकॉशन तो आप लेने चाहिए है क्योंकि बहुत औखे दौर तो आप टपे हैं पर मैं चाहना कि सरकार वैक्सीनेशन पर जोर ज़्यादा दे इंश्योर करे वैक्सीनेशन ते बूस्टर डोज जिहड़ा लगना है आए अग्री विद इट लीगल डॉक्यूमेंट हुंदा होना चाहिए। अकाली दल है जिहड़ा अपने मैनीफेस्टो नूं असी इंप्लीमेंट करदे हां अज तक कोई होर पार्टी इंप्लीमेंट नहीं करदी यार मैं
मैं मेंटल सिद्धू बारे कोई गल नहीं करना चाहता। किसे हाई कोर्ट ने नहीं किया, कोई वर्डिक्ट नहीं है किसे हाई कोर्ट। चलो चंगी गल है, पंजाब चो जो आए हैं कुछ ना कुछ जरूर देखे जाने। बड़ी खुशी होगी कि जे जे चंडीगढ़ पंजाब च आ जाए, पानिया का फैसला हो जाए, पंजाबी सूबे पंजाब च आ जाए, कोई स्पैशल किसानों का कर्जा जे सारा माफ हो जाए, आ बहुत वधिया कदम है। थैंक यू। एक मिनट यार, एक सर इन्ना दाना।